हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, इस पार्ट में हम टीडीएस को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है सर? तो सबसे पहले इस पार्ट में ही हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 194J के साथ, ठीक है सर? और 194J जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सर प्रोफेशनल पेमेंट। क्या? प्रोफेशनल पेमेंट। सर, ये प्रोफेशनल क्या होता है? पीजीबीपी में मैंने आपसे एक बात कही थी सर, एक होता है वोकेशनल, याद आ रहा है आपको, और एक होता है प्रोफेशनल। वोकेशनल वो होता है जिसके पास स्किल तो है, बहुत अच्छे स्किल है, लेकिन प्रोफेशनल वो होता है जिसके पास स्किल के साथ साथ क्या हो, क्वालिफिकेशन के साथ साथ डिग्री भी हो, वो ये शो कर सके कि मैं यहाँ से पढ़ा लिखा हूँ और इतना पढ़ा लिखा हूँ। सर, अगर हम प्रोफेशनल पेमेंट की बात करें तो कितनी प्रोफेशनल पेमेंट को यहाँ पे किस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ज़रूरी है। हम सर इसमें बात करेंगे कि आपने किसी प्रोफेशनल को पे किया, ठीक है सर? कोई टेक्निकल पेमेंट किया आपने? क्या पे किया आपने? टेक्निकल पेमेंट, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए आप पे करते हो तो वो एक टेक्निकल हेल्प होती है। आपने किसी की रॉयल्टी के लिए पे किया? किसी का राइटर होना भी अपने आप में प्रोफेशनल होता है। मैं एक टीचर हूँ तो मैं एक प्रोफेशनल हूँ, ठीक है सर? डायरेक्टर सिटिंग फी, ये भी इस सेक्शन के अंदर में कवर होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे दोस्त गलतियां कर देते हैं, इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना है ताकि आप इसमें कोई गलतियां ना करो, ठीक है सर? तो सर, इसमें अगर हम बात करें प्रोफेशनल पे की, टेक्निकल पेमेंट और रॉयल्टी के अंदर, तो ये हमारे कवर्ड हो जाते हैं अंडर लिमिट। क्या? अंडर लिमिट। अंडर लिमिट का मतलब क्या है कि इनके ऊपर लिमिट जो है वो अप्लाई होती है, लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्टर सर्टिफिकेट्स की, तो इसके अंदर हमारी जो है लिमिट अप्लाई नहीं होती है, ठीक है सर? यहाँ तक लिख लिया आपने? गुड। और अगर हम डायरेक्टर सिटिंग फीस की बात करें तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एनी अमाउंट, आप इसमें कोई भी अमाउंट पे करो डायरेक्टर को, एनी अमाउंट, आपको टीडीएस काट के ही उसे पे करना है, टीडीएस अप्लीकेबल। कुछ लोग गलती कर देते हैं, डायरेक्टर के केस में भी लिमिट लगा देते हैं, नहीं लगानी है। डायरेक्टर को आप एक भी रुपए चिन्नी चवन्नी कुछ भी पे करोगे तो आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा भाई साहब, आपको टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया सर आपका? ओके, अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है सर? अब हम जब आगे बात करेंगे तो आप इसमें सबसे पहली बात करोगे स्पेसिफाइड पर्सन की। किसकी बात करोगे? स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको एक शॉर्ट नोट बना दिया था कि भैया इंडिविजुअल या एचयूएफ होता है तो भैया हम देखते हैं कि वो टैक्स ऑडिट में कवर है कि नहीं कवर है, प्लस वो लिमिट क्वालिफाई कर रहा है इस सेक्शन की या नहीं कर रहा है, ठीक है? और अगर वो अदर है, अदर इन द सेंस इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं है, तो हम सिर्फ लिमिट की बात करेंगे। और लिमिट क्या है सर स्पेसिफाइड की? कोई भी अगर आप सिंगल पेमेंट कर रहे हो, अगर आपने कोई भी सिंगल पे किया है और वो 30,000 से क्या है ज़्यादा, और अगर हम बात करें एग्रीगेट पे, तो वो आपकी होनी चाहिए 1 लाख। क्या 1 लाख का यहाँ प्रोविज़न आता है? नहीं, यहाँ पे 1 लाख वाला प्रोविज़न नहीं आता है। कुछ लोग 1 लाख वाले प्रोविज़न को भी यहाँ पे शामिल कर देते हैं, 1 लाख का प्रोविज़न आपका यहाँ पे नहीं आता। 1 लाख का प्रोविज़न आता है सर 194C के अंदर, कॉन्ट्रैक्टर के केस में। प्रोफेशनल के केस में 1 लाख की लिमिट की बात नहीं होती, इसको लिख के काट देना कि 1 लाख वाली बात होगी 194C के अंदर। कुछ लोग इसमें मिसगाइडेड हैं, कुछ गलत तरीके से सॉल्व कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिडक्ट किया, इसको यहाँ पे लेस किया। इन द सेंस आपको यहाँ लिख के काटना है, ठीक है? आप प्रोफेशनल के केस में सिर्फ 30,000 के अमाउंट की बात करेंगे, इसके अलावा आप दूसरी बात नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, फिर ये स्पेसिफाइड पर्सन ने पे किया है, किसको पे किया है? रेजिडेंट को। किसको पे किया है? रेजिडेंट को, ठीक है? तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या डिडक्ट करना पड़ेगा? टीडीएस। टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, ठीक है सर? टीडीएस का रेट आपका कितना परसेंट होना चाहिए आप मुझे बता सकते हो, देख के प्रोविजन? सर, टीडीएस का आपको 10% का भी एक रेट है और एक 2% का भी है। ये सर थोड़ा सा अमेंडमेंट आया हुआ है,
अगर कॉल सेंटर वगैरह है, क्या है कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर के केस में ये रेट होता है 2%, और अदर देन कॉल सेंटर है, क्या है अदर देन कॉल सेंटर, तो उस पे रेट होता है 10% का। ये आपको याद रखना है, अमेंडमेंट है, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी ना हो। कॉल सेंटर के बारे में यहाँ अमेंडमेंट आई है कि कॉल सेंटर को अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है सर, तो यहाँ पे आपको उन्हें 2% TDS काटने के बाद पेमेंट करनी है, और अदर देन कॉल सेंटर है तो बाकी सबके लिए TDS रेट रहने वाला है हमारा 10%। और स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब आपको पता चल गया, स्पेसिफाइड पर्सन में इंडिविजुअल और HUF की अगर बात करें तो ये टैक्स ऑडिट वाला केस अप्लाई होता है इन पे, कि इन्होंने प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट में ये कवर हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर अकॉर्डिंग। और ये लिमिट लिमिट क्या है, ये 30,000 वाली लिमिट है। लास्ट टाइम मैंने रिविजन करवाया था तो बहुत सारे ने पूछा सर ये लिमिट कौन सी होती है, भाई ये यही लिमिट है की बात कर रहा है, कि ये दो कंडीशन इसको सेटिस्फाइड करनी है तभी इंडिविजुअल या HUF जो है वो TDS डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर हम अदर की बात करें, अदर यानी इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के, तो उनपे टैक्स ऑडिट की लिमिट अप्लाई नहीं करती है, उनको डायरेक्ट लिमिट देखनी है। 30,000 की अगर पेमेंट कर रहे हैं तो भैया आपको आपको TDS काटना पड़ेगा, ठीक है सर। ये एक छोटी सी बात थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी, आई होप आपको इसमें मजा आया हो, ठीक है सर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सर एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका 194C। सर 194C जो है वो है आपका कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, किसके बारे में, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। सर ये क्या कहता है कि कोई भी पर्सन है आपका, एनी पर्सन, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को जो कि एनी पर्सन है उन्हें पे कर रहे हैं, और यहाँ एनी पर्सन का मतलब स्पेसिफाइड पर्सन है, और स्पेसिफाइड पर्सन का एक ही मतलब है पूरे आपके TDS के अंदर, ठीक है। सैलरी के अंदर इसका अलग मतलब होता है, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन की बात कर रहा हूँ, और पूरे TDS में एक ही मतलब होता है स्पेसिफाइड पर्सन का, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिविजुअल और HUF के केस में हमें दो चीज़ें चेक करनी है, कि अगर इसका टैक्स ऑडिट हुआ है और वो लिमिट क्रॉस कर रहा है तभी वो TDS डिडक्ट करेगा, अदरवाइज TDS डिडक्ट नहीं करेगा। अगर ये अदर देन इंडिविजुअल या HUF है तो सिर्फ जब ये टैक्स की लिमिट को क्रॉस करेगा तभी वो इस सेक्शन में कवर होगा, अदरवाइज कवर नहीं होगा, ठीक है सर। सर ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई। यहाँ पे हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पेमेंट, क्या करने जा रहे हैं, पेमेंट करने जा रहे हैं। सर ये जो पेमेंट आप कर रहे हो, अगर ये सिंगल पेमेंट है, क्या है सिंगल पेमेंट, तो ये 30,000 से ज़्यादा होगी, हम ये चेक करेंगे। और अगर आप पूरे साल की एग्रीगेट पेमेंट देखो, क्या देखो एग्रीगेट पेमेंट देखो पूरे साल की, तो हम इसमें 1 लाख के लिमिट को चेक करते हैं, ठीक है सर। अब एक और बात है यहाँ पे जो बहुत खास है, कि ये जो आप पे कर रहे हो, ये जो पेयर है, क्या पेयर, वर्ड याद रखना, पेयर जो पे कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअल या HUF है, अगर जो पे करने वाला है TDS को पे करने वाला पर्सन इंडिविजुअल या HUF है, तब तो भैया TDS का रेट, तब तो आपके TDS का रेट रहने वाला है 1%। लेकिन ये अगर पर्सन जो पेयर है, जो TDS को पे करने वाला है, ये कोई अदर पर्सन है, क्या है कोई अदर पर्सन, तो TDS का रेट होने वाला है 2%। ये बहुत कमाल का है। मेरा तो बॉस जो था JK कालरा कंपनी में, जतिन कालरा सर, वो तो 8 बजे भी अगर TDS का उनको पता रहता था सबके पर्सन के, कि भैया कौन सा बंदा कहाँ रिटर्न फाइल करने जा रहा है, वो मॉर्निंग में कॉल करते थे 7 से 8 में, और वो पूरा गाइड करते थे, विनीत मिश्रा ये सेक्शन तुम्हें अप्लाई करना है, आ तुम्हें देखना है 1% है 2% है, वो तो पूरे अच्छे से समझाते थे। मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि भैया अगर पेयर इंडिविजुअल या HUF है तो TDS का रेट 1% रहेगा, अगर अदर है तो 2% है। एक बार स्टडी मैट भी साथ के साथ पढ़ लेना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स ही देखोगे, नोट्स तभी देखना एग्जाम टाइम में, सिर्फ नोट्स देखना, लेकिन साथ के साथ स्टडी मैट को भी रेफर आप कर सकते हो, ठीक है सर। इसमें भी और भी कुछ बातें लिखवानी है, रेडी है, यहाँ तक हो गया आपका, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात लिखनी है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करने जा रहे हो, क्या कौन से कॉन्ट्रैक्ट की आप हमसे बात करने जा रहे हो। अरे भैया आगे बढ़ जाओ, काम करने दो, यस आ गया, कौन से कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करने जा रहे हो। तो यहाँ हमें लिखना है कॉन्ट्रैक्ट का मीन्स, मतलब हम अपने 194C में किस किस की बात करेंगे। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जो आने वाला है डायरेक्ट वो बताऊंगा, इधर उधर का करने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है,
कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स, कॉन्ट्रैक्ट में आपके शामिल है क्या क्या शामिल है, सब कॉन्ट्रैक्ट। क्या सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे लेट आउट में डीम लेट आउट होता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया काम करने के लिए, बी बिजी था, बी ने उसको सी को दे दिया, दैट इज सब कॉन्ट्रैक्ट। सर सबसे पहले एडवर्टीजमेंट वगैरह के जो काम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। सर दूसरा ब्रॉडकास्टिंग, क्या ब्रॉडकास्टिंग हो गया आपका, और टेलीकास्टिंग हो गया, वो भी यहाँ शामिल है। अब आप कहोगे सर ये ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कपिल शर्मा शो है, क्या है, तो कपिल शर्मा शो जो है वो सोनी टीवी जो होती है वो खुद ही रिकॉर्ड करती है, यहाँ पे ये कैमरा रखे ये खुद ही फोकस करते हैं, खुद ही रिकॉर्ड करते हैं और खुद ही इसको सोनी पे दिखाते हैं। लेकिन आपने एक सीरियल का नाम सुना होगा, क्राइम पेट्रोल, ठीक है, क्राइम पेट्रोल वाले क्या करते हैं, अपनी अकॉर्डिंग शूट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जहाँ उन्हें बेस्ट लगता है वो वहाँ पे क्या करते हैं शूट कर लेते हैं जो भी उन्हें सीन बनाना होता है। उसके बाद ये सोनी वाले को देते हैं और सोनी वाले जो होते हैं अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग इनको क्या करते हैं शो करते हैं। तो ये वाली बात आ रही है कि ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, यानी क्राइम पेट्रोल वाला केस, ये वाला केस यहाँ पे कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है। सर थर्ड है आपकी कैटरिंग की सर्विस, कैटरिंग आई डोंट थिंक कि आई नीड टू डिफाइन इट, कैटरिंग की सर्विस। अरे ये तो अपने आप वो बन गया, रुकिए मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूँ, कैटरिंग की सर्विस, ठीक, ये आपको आता होगा। उसके बाद सर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सर इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें एग्जाम में फंसाने के लिए परचेज दे देता है, क्या देता है परचेज, और कई बार वो कहेगा कि परचेज की है डायरी और किताबें, और वो खुद कहता है कि भैया ये शामिल नहीं होता, और आप बार बार परेशान होंगे कि यार सर ये क्या है परचेज, मैन्युफैक्चरिंग लिख रहा है फिर वो ले नहीं रहा है। सर याद रखना है परचेज टीडीएस के अंदर शामिल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स शामिल है, इसका ख्याल रखना है। सर फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है सप्लाई ऑफ लेबर, आप लेबर की सप्लाई कर रहे हो, हाँ मजदूरों की सप्लाई, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको कि भैया वो भी यहाँ शामिल है। फिर सर एक लास्ट पॉइंट आप याद रख लोगे कॉन्ट्रैक्ट में तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, दिस वन वाज कैरिंग ऑफ गुड्स, क्या कैरिंग ऑफ गुड्स और पैसेंजर, वैसे लॉ कहता है और मत लगाओ एंड लगाओ, तो मैं एंड लगा देता हूँ, कैरिंग ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय एनी मोड, बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, क्या अदर देन रेलवे, यानी कैरिंग ऑफ गुड्स और पैसेंजर, मतलब आपको सामान कहीं पे लाना ले जाना है या फिर पैसेंजर को लाना ले जाना है, सामान और पैसेंजर को लाना ले जाना है, ठीक है, और आप किसी भी मोड के थ्रू लाओगे और ले जाओगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाओगे, लेकिन अगर आप रेल के थ्रू ला रहे हो ले जा रहे हो तो ये शामिल नहीं होगा। यानी आपको कैसे आप इस पे क्वेश्चन बना सकते हो कि भैया एयरलाइन के थ्रू आप ला रहे हो, बस के थ्रू ला रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाएगा, लेकिन अगर ये रेलवे के अकॉर्डिंग है तो ये शामिल नहीं होगा। सर अभी ये सेक्शन ख़त्म नहीं होगा, मुझे अभी और भी कुछ बताना है आपको, यहाँ तक आप फटाफट लिख लें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों अब इसमें हमें कुछ नोट लिखने हैं, क्या करने हैं, कुछ नोट्स लिखने हैं। सर सबसे पहला नो टीडीएस ऑन फॉलोइंग, आपको कुछ चीज़ों पे टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है, किस किस पे नहीं काटना सर, सर पहला पेमेंट मेड फॉर पर्सनल, पेमेंट मेड फॉर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, लेट सपोज मेरे दोस्त की शादी है और उसके लिए अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चर वगैरह करवा रहा हूँ तो उस पर मैं टीडीएस नहीं काटूंगा, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं आएगा, सिर्फ एंड सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होगा, तभी टीडीएस को डिडक्ट किया जाता है 194C के अंदर, ये आपको बात छोटी छोटी याद रखनी है। फिर अगला सर लिखिए पेमेंट्स मेड, पेमेंट्स मेड टू जीटीए, किसको पेमेंट हो रही है, जीटीए को हो रही है, हु हैज लेस देन 10 गुड्स, हु हैज लेस देन 10 गुड्स कैरेज एंड एंड प्रोवाइड
पेन, ठीक है, उसने पेन दिया है आपको, ठीक है, और उसके पास वो जीटी की सर्विस तो देता है लेकिन लेस देन 10 गुड्स, और वो आपसे खुद ही कह रहा है कि सर मेरे पास 10 ही जो गुड्स हैं वो गुड्स कैरिज की जो फैसिलिटी में दे रहा हूँ मेरे पास 10 ही हैं, ठीक है, जीटीए हुआ है लेस देन 10 कैरिड गुड्स, ठीक है, यानी वो एक मतलब ओवरऑल क्या कह रहे हैं, ओवरऑल मतलब बताता हूँ कि जो जीटीए है ना वो छोटा बच्चा है, क्या है छोटा बच्चा, आपने 44 AD पढ़ा होगा, AE पढ़ा होगा, वहाँ आपने सीखा था 7500 वाली लिमिट वाला, उसमें भी आपने पढ़ा था कि भैया उस बंदे के पास 10 से ज़्यादा गुड्स कैरिज सर्विस जो जीटीए की सर्विस है 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए उसके पास, याद आ रहा है आपको, तो ये उसी का भाई बनाया है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास ओवरऑल 10 ट्रक भी नहीं है और वो पाकिस्तान भी नहीं जाता है और वो मैं निकला और गाड़ी लेके भी गाना भी नहीं गाता है, तो भैया वो बंदा यहाँ पे कवर नहीं होना चाहिए, आप उस पर TDS ना काटें, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट था जिसके लिए जगह मेरी खत्म हो गई, मैं उसके लिए यहाँ पे लिख दूँ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, आप सामान को गुड्स को सेल एंड परचेज कर रहे हो, तो सेल और परचेज नहीं आता है, क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग, इसका आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली हमने 194C ख़त्म कर दिया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सर अब हमारे पास न्यू सेक्शन है और न्यू सेक्शन का नाम है सर 194, और जिसमें कि हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। किसकी बात करेंगे? डिविडेंड की। डिविडेंड सर कौन पे कर रहा है? पहली बार डोमेस्टिक कंपनी पे कर रही है। क्या कर रही है? डोमेस्टिक कंपनी पे कर रही है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ये क्या पे करने वाली है? ऑब्वियसली सेक्शन डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड ही पे करेगी। और कितना पे कर रही है सर? 2500 इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है सर। और किसको पे कर रही है? रेसिडेंट को पे कर रही है। किसको पे कर रही है? रेसिडेंट इंडिविजुअल को, ठीक। सर एक बार चेक कर लेना ये 2500 है या 25000 है, मेरे अकॉर्डिंग 2500 होना चाहिए, 25000 होगा तो आप अपनी कॉपी में रेक्टिफाई कर लेना, स्टडी मैट को चेक करते रहना, हो सकता है पढ़ाते समय टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ती है, माइक्स देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है, प्रोविजंस देखने पड़ते हैं, तो हो सकता है एक आध चीज़ छोटी मोटी टीचर से गलती हो जाए, तो उसका सर पकड़ के पत्थर मत मारना है, ना तो खुद टॉर्चर होना है ना टीचर को करना है, तो बस स्टडी मैट देखते रहना, अगर एक आध छोटी मोटी गलती हो जाए तो ठीक कर लेना, वैसे 2500 ही होना चाहिए। तो सर इस पे TDS कितना काटना है? इस पे सर TDS डिडक्ट करना है आपको 10%। कितना डिडक्ट करना है आपको? 10% आप TDS इस पे डिडक्ट करेंगे। सर दूसरी बात आपको याद रखनी है कि डिविडेंड पेड टू LIC, ठीक है सर, देन नो TDS इज रिक्वायर्ड, मतलब LIC से अगर आपको LIC वाले डिविडेंड पेड टू LIC, LIC के लिए अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस पर TDS काटने की जरूरत नहीं होती है। वैसे ये CA फाइनल का टॉपिक हो गया, मैंने आपको बस बता दिया है, तो आप परेशान ना हो, इसको एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। मेन IPCC का यही है कि डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी है, आपको डिविडेंड पे कर रही है 2500 इन अ फाइनेंशियल ईयर, क्या इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो अपने आप ही आपका TDS जो होगी 10% डिडक्ट करके आपके हाथों में देगी, आपको परेशानी नहीं होना है, बस इतना याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारा काम था पढ़ना और हमने पढ़ लिया, ठीक है। ओके अब बात करते हैं न्यू सेक्शन की। चलिए सर न्यू सेक्शन की तरफ चलते हैं, और न्यू सेक्शन का नाम है आपका सेक्शन 194H। सर ये बात करता है आपकी कमीशन के बारे में और ब्रोकरेज के बारे में, ठीक है सर। सर एक छोटी सी बात कहनी थी, अभी अभी मैंने TDS का पार्ट वन डाला और तकरीबन 20 मिनट के अंदर ही मैं न्यू पार्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और आप देख रहे हो कि 20 मिनट तो नया पार्ट रिकॉर्ड होते हुए हो गए, मतलब मैं तुरंत बैठ गया था बनाने इस पे। अभी देख रहा था मैं, नोटिफिकेशन आया कि 17 कमेंट आए हैं, 17 में 10 कमेंट यही हैं कि भैया अगला पार्ट कब आएगा, कितनी देर में आएगा, ये लिंक क्या होगा, वो क्या होगा, मतलब वही मैंने कहा ना ग्रेटिट्यूड की, एक होता है कि बंदा प्यार से थैंक्स बोल दे, बट आप लोग सामने वाले को इस तरीके से बोलते हैं जैसे वो आपका एम्प्लॉई हो,
मुझे प्यार मोहब्बत दिखता ही नहीं है काम करने में, इसलिए कई बार सोचता हूँ कि यार मैं भी पीडी हो जाऊँ और ये जो काम कर रहा हूँ वो करना छोड़ दूँ, क्योंकि आपके अंदर कहीं प्यार व्यार नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। और मैं भी अपनी सेल्फिशनेस चालू कर दूंगा सच में। कहते हैं ना कि मैं रियली में नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग मुझे इस तरीके से कुछ दिनों में बना देंगे कि मैं भी अपनी इंसानियत को खो बैठूंगा जैसे आप लोग खो बैठे हैं। चलिए छोड़िए, हमारा काम तो पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे, बाकी आप बस मतलब कि सामने वाला आपके लिए दिल निकाल के बैठा है, आप कह दो भैया लीवर और दे दो, मर ही जाओ तुम, क्योंकि हमको तो फ्री में सब मिल रहा है। बात फ्री की नहीं है यार, मैं तो पैसे भी नहीं मांग रहा, मैं तो एक प्यार से बस एक लाइक है और एक कमेंट मांगता हूँ आपसे। आपको पता है तकरीबन 1.5 लाख व्यूज होने पे यूट्यूब $100 देता है, और आपको लगता है कि इससे इनकम होती है? इनकम के लिए नहीं कर रहा सर, ये मैं पैशन के लिए कर रहा हूँ। यूट्यूब अगर पैसे देना बंद भी कर देगा ना, ये $100 भी, अभी क्या होता है $100 में, 6,000 रुपये, मतलब 1.5 लाख व्यूज के 6,000 रुपये, तो आपको लगता है इतने आपके सीए कम्युनिटी में बनने वाले हैं? नहीं बनने वाले हैं। पता है क्यों कर रहा हूँ? पैशन के लिए, मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है, मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है, मैं अपने पैशन के लिए सब कर रहा हूँ। और उस पर भी मैं एक थैंक्स सुनना चाहता हूँ, तो आपके 17 में से 10 से 12 कमेंट यही होते हैं झंडू वाले। चलो छोड़ो, क्यों मैं फालतू में बोलूँ, आपको जो ठीक लगेगा आप वही करेंगे, क्योंकि इंसान और कलयुग अपनी आदत से मजबूर होता है। ठीक है चलो छोड़ो, 194H की बात करते हैं। सर ये है आपका स्पेसिफाइड पर्सन। सर स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है? सर ऑलरेडी 2-3 बार लिखवा चुका हूँ, बार बार क्या लिखवाएंगे आप मुझसे? ये पेमेंट कर रहा है सर किसी रेसिडेंट पर्सन को, इसको पे कर रहा है रेसिडेंट पर्सन को, और ये क्या कर रहा है? कमीशन पे कर रहा है, कमीशन और ब्रोकरेज। सर ये कमीशन और ब्रोकरेज पहले भी एक दो जगह है, वो क्या है और ये क्या है? सर उन सभी को छोड़ के सबके आगे कोई ना कोई कमीशन लिखा था, लॉटरी की कमीशन, और आपका कहीं ना कहीं कोई लिंक था, लेकिन ये कमीशन और ब्रोकरेज वो है जो अब तक पहले कहीं भी कवर नहीं हुई है, तो ये वो वाला है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको कमीशन मिल रही है 15,000 पर एनम, और अगर इससे ज़्यादा आपको मिलेगी तो आपको TDS देना पड़ेगा @5%। बस सर इतना सा प्रोविज़न है। इसमें एक दो बातें एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं कि अगर जो कमीशन है, क्या कमीशन है, वो पेड बाय है, पेड बाय BSNL और MTNL, ठीक है, टू देयर PCO, और कह सकते हो फ्रेंचाइजी आर नॉट लाइबल टू TDS। मतलब अगर BSNL या MTNL अपने फ्रेंचाइजी वगैरह को पे करते हैं कमीशन, तो उस पर TDS नहीं डिडक्ट करना है। वैसे ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बतानी थी तो मैंने आपको बता दी। तो सर ये इसी के साथ आपका 194VH भी खत्म हो गया। चलिए सर आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम एक न्यू सेक्शन की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्शन 194IB। क्या IB? और ये सेक्शन आपके कैपिटल गेन की वजह से आया है, क्योंकि कैपिटल गेन में एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसका नाम है सर, आपके उस नए सेक्शन का नाम था, क्लिक करने दीजिए मुझे, याद करनी चाहिए, नहीं सर ये उसके लिए नहीं था, मैं इसको बताता हूँ। कैपिटल गेन वाला प्रोविज़न यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा, कैपिटल गेन का एक नया सेक्शन आया हुआ है सर, कैपिटल गेन का एक नया सेक्शन है 45(5A, ठीक है, उसकी वजह से एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 194IC, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये ओल्ड सेक्शन है लेकिन ये आपके लिए 5-स्टार टॉपिक है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इन दोनों सेक्शनों को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। 194IB बता रहा हूँ आपको सर, ये कहता है पेमेंट पेमेंट ऑफ रेंट अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। 194I में भी आपने पढ़ा 2% और 10% वाला, हाँ प्लांट एंड मशीनरी में 2% और अदर में 10%, ये कह रहा है उसको छोड़ के आप कहीं और रेंट पे कर रहे हो, याद रखो जो यहाँ कवर नहीं है वो यहाँ आता है, याद रखना 194IB। ये क्या कह रहा है कि भैया
कोई भी एसएससी है, ठीक है, और कोई भी एसएससी में ये कौन सी लिमिट वाला है, ये स्पेसिफाइड वाला पर्सन है। कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन। और इसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऑलरेडी 5 बार बता चुका हूँ। ये क्या कर रहा है, कोई भी रेंट पे कर रहा है, और जो वो रेंट है वो 50,000 से ज़्यादा है फॉर अ मंथ, एक महीने की बात कर रहे हैं, पूरे साल की बात नहीं कर रहे हैं। और रेंट देयर ऑफ, जो भी आप पे कर रहे हो उसके ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा 5%, और ये यहाँ वाले भाई साहब जो हैं वो भी एक रेसिडेंट होने चाहिए। एक सिंपल सा सेक्शन था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको 5 स्टार दिया। अगला वाला भी 5 स्टार टॉपिक है, ज़रा सुनिए क्या है वो। सर, अब आपके पास एक बिल्कुल न्यू सेक्शन है 194IC। मैं IB और IC में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था लास्ट टाइम, 194IC। तो सर, एक कैपिटल गेन में एक न्यू सेक्शन आपका इंट्रोड्यूस किया गया, 45(5A। क्या? 45(5A। सर ये क्या था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करने वाला। मैंने कैपिटल गेन में आपको ये सेक्शन लिखवाया होगा जिसमें मैंने आपको हिंट दिया होगा कि एक बिल्डर आता है और वो बिल्डर क्या कहता है कि भैया ये जो घर है आप हमें दे दो, ये पूरा प्लेस हम यहाँ को रिकंस्ट्रक्ट करके आपकी एक इमारत बना के आपको देंगे, फ्लोर जिसमें से 2 फ्लोर 4 फ्लोर बनाएंगे सर, 2 फ्लोर मैं रेंट पे दे दूंगा तो मेरा रिकवरी हो जाएगा, और नीचे के ये जो 2 फ्लोर है मैं आपको दे दूंगा। याद आ रहा है 45(5A। इससे ज़्यादा के लिए कैपिटल गेन का टॉपिक एक बार पढ़ के आए तो ये देखें, डायरेक्ट इस टॉपिक को, इस सेक्शन को मत देखना जब तक आपका 45(5A क्लियर ना हो। तो सर ये सेक्शन का नाम क्या है, ये है सर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन रजिस्टर्ड डेवलपर। याद आ रहा है इसको हम क्या बोलते थे, रजिस्टर्ड डेवलपर। मैंने आपको इसके लिए बहुत प्यार से समझाया भी था, रजिस्टर्ड डेवलपर एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 45(5A, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये होने वाला है कि आप एक असेसी हैं। क्या है? आप एक असेसी, और यहाँ वाले भाई साहब भी एक असेसी हैं, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, एनी असेसी। और ये क्या कर रहे हैं, एनी पेमेंट। क्या? एनी पेमेंट। सर एनी पेमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पेमेंट की लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है कोई भी, और आप जब पेमेंट करेंगे तो TDS डिडक्ट करना होगा 10%, ठीक है सर। ये इतना ही सा सेक्शन था, आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ 10% का TDS काटा जाता है, ठीक है। और ये वाला प्रोविज़न तभी देखना, समझना जब आपने 45(5A को पढ़ा हो, या फिर आप क्या करो फटाफट कैपिटल गेन पे जाओ और वहाँ से रिवाइज करके आओ 45(5A को, तब आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है सर। चलिए ऐसा करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एक प्यारा वाला थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा, उसमें 2-3 सेक्शन बताने हैं और कुछ प्रोसीजर बताने हैं, मुश्किल से 20 मिनट का टॉपिक होगा, उसे फिर यहाँ पे फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा एक प्यारा सा लाइक एंड कमेंट आपकी तरफ से मुझे ज़रूर मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।